अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है, वेलकम टू टेक्निकल रहमानी। ये दोस्तों वीवो V23e रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में आया है G96 के चिपसेट के साथ। आज यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये गेमिंग रिव्यू वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर जस्ट हम पबजी खेलकर देखेंगे हमें यहाँ पर पबजी में परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है, G96 यहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्म करता है, ग्राफिक्स कौन से मिलते हैं, इसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन हीटअप होता है या नहीं, और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें जायरो सेंसर देखने को मिलता है नहीं, अगर मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आ जाए तो यार लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों हम पबजी को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसके साथ टाइमर भी स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि यह स्मार्टफोन लॉबी में कितनी देर में जा पाता है। तो जनाब लॉबी में हम आ चुके हैं और इसने लॉबी में आने के लिए 225 सेकंड लिए हैं, जो कि कोई इतने ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हमें यहाँ पर ग्राफिक्स कौन से देखने को मिलते हैं। सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग के बाद यहाँ पर हम ग्राफिक्स में चलते हैं। तो आपको यहाँ पर भाई बाई डिफ़ॉल्ट HD ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको HDR की सपोर्ट नहीं देखने को मिलती है दोस्तों, यानी HD ग्राफिक्स ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। हाँ ये ज़रूर है दोस्तों आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, खैर यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है हमारा। बैक चलते हैं दोस्तों और इसके साथ देखते हैं हमें यहाँ पर जायरो सेंसर देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है दोस्तों जायरो का, देखते हैं ये ऑन होता है नहीं। तो जनाब यहाँ पर जायरो सेंसर मौजूद है जो कि ऑन भी हो चुका है। तो चले फिर देखते हैं बैक साइड पर जाकर गेम रन करते हैं, यहाँ से सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर जायरो परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो यार लाइक तो बनता है। खैर दोस्तों चलते हैं गेम में, आप गेम को एंजॉय करें, अगर आप चाहें तो स्किप कर भी सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ मेरा इस मोबाइल फ़ोन के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो भाई गेम स्टार्ट हो चुकी है। ये मर क्यों नहीं रहा यार, ये क्या मैं मर के वापस आ गया हूँ। इवन के पिंग भी नहीं है दोस्तों, जस्ट 36 यहाँ पर पिंग है, मैं आपको दिखाऊँ 40 हो गई है, जो कि कोई इतनी ज़्यादा पिंग नहीं है। तो ये गेम हुई है फिनिश दोस्तों, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन यार एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। खैर अभी के लिए एक और गेम हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एक गेम से तो कोई जजमेंट होने वाली है नहीं भाई। तो यहाँ से एक और गेम हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, स्मार्ट वॉच का गिवअवे चल रहा है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर से पार्टिसिपेट करें, बहुत जल्द उसका विनर भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों जहाँ तक बात जायरो सेंसर की है, वो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं, इस गेम में हमने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी टेस्ट कर लेते हैं स्टार्ट में। तो जनाब ये है इसकी जायरो परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं दोस्तों फ़िलहाल तो जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन मैं जायरो प्लेयर नहीं हूं दोस्तों, अगर आप हैं तो आप मुझे बताइएगा इसकी जो मूवमेंट है कितनी ज़्यादा स्मूद है। चलिए अब थोड़ा सा ना जायरो से हम इसको खेलने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, एनिमी भाग गया भाई, मेरे से नहीं खेला जाना, अगर आप जायरो प्लेयर हैं तो आप इसको इजीली खेल सकेंगे। अरे भाई तो भाई ये गेम भी हुई फिनिश और हम थोड़े से ही मार्जिन से हार गए हैं। मैं अपनी बात करूं तो भाई मैंने यहाँ पर
18 किल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके भाई ने सबसे ज्यादा किल किए हैं। काफी अच्छा गेम एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, कहीं पर मुझे कोई लैग नहीं देखने को मिला। G96 के साथ यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है स्मूथ है। लेकिन एक बात जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, एक लास्ट की गेम मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ दोस्तों। एक और बात जो मैंने नोट की है, अगर हम इस स्मार्टफोन की फिजिकल टच की बात करें तो मुझे यहाँ पर कोई भी हीटअप महसूस नहीं हो रहा है। अभी के लिए दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है मोबाइल फ़ोन, कहीं पर कोई हीटअप मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ की बात करूँ तो जब मैंने यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट की थी तो 16% थी। इस वक्त मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो 9% रह चुकी है, यानी कि 2 TDM की गेम लगाने के बाद इसकी जो बैटरी है वो 6% ड्रेन कर चुकी है। तो एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये स्मार्टफोन जस्ट गेमिंग के लिए नहीं आया है, वीवो की वी सीरीज़ गेमिंग फोकस नहीं है। यहाँ पर आपको बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है, अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये इसलिए इस स्मार्टफोन को आप जस्ट गेमिंग के लिए कंसीडर करें तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा। खैर गेम स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, गेम के बाद मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन देता हूँ। सो एंजॉय। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, पिंग भी कोई इतनी हाई नहीं है लेकिन फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर। तो भाई ये गेम भी हम विन कर चुके हैं। इसके एक बात जो मैं बताना भूल गया हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर गेमिंग बोर्ड भी मिलता है, अगर आप इसको एक्टिव कर लेते हैं तो बहुत सारे जो झंझट हैं उनसे आप जान छुड़ा लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो भाई अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये स्मार्टफोन जस्ट गेमिंग के लिए बेटर है तो ये कहना बिल्कुल भी
गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गेमिंग फोकस ये स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन G96 के साथ यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा सा स्मूथ ही रहा है। लास्ट की गेम में मुझे कहीं चंद एक यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बताऊँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इससे पहले तकरीबन 4 से 5 गेमें खेली हैं पबजी पे, तो वहाँ पर भी मुझे कहीं कहीं फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इतनी ज़्यादा कोई स्मूथ यहाँ पर हमें गेमिंग एक्सपीरियंस V23E में नहीं देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। हाँ, कहीं पर भी ये नहीं है कि गेम स्टक हो गई हो, बिल्कुल हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स ज़रूर हैं। इसके अलावा अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि स्मार्टफोन जस्ट आपको गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए, तो भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको एक अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ डाउट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको फाइनल वीडियो का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। इसकी डिटेल रिव्यू वीडियो में मैं आपको अपने फाइनल रिव्यू दे सकूँगा कि आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन जस्ट गेमिंग के लिए बाय करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इतने बड़े प्राइस बजट में, यानी 50,000 के प्राइस बजट में आपको पाकिस्तान की मार्केट में G96 तो अंडर 30,000 के प्राइस टैग में मिल जाएंगे। लेकिन 50,000 की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के सबसे पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाते हैं, और वो बहुत सारे स्मार्टफोन्स में मौजूद हैं जिनकी हम अनबॉक्सिंग वगैरह भी कर चुके हैं। तो अगर आप जस्ट गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए मैं आप लोगों को हरगिज़ कंसिडर नहीं कर सकता, सॉरी रिकमेंड नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। दोस्तों वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना यार, ना पसंद आई हो तो भाई इसकी रीज़न कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।